हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और फिर से एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पढ़ रहे थे हम लोग पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस की पैडागॉजी, जिसका पहला चैप्टर आपने कंप्लीट किया पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना और क्षेत्र। सीटीईटी और एसटीईटी दोनों के लिए ही ईवीएस पैडागॉजी बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। तो दोस्तों, पहले चैप्टर के हमने थ्योरी और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए हैं। अगला चैप्टर है पर्यावरण अध्ययन का महत्व एवं एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, सिग्निफिकेंसेस ऑफ ईवीएस एंड इंटीग्रेटेड ईवीएस। तो पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है पर्यावरण अध्ययन? पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, इन सब बातों को समझना, इनकी अवधारणाओं को समझना और खास करके प्राथमिक कक्षाओं में इसका एक बेस बनाना, प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एक बेस तैयार करना, ये होता है पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य। तो पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है, क्यों ये सब किया जा रहा है, बच्चों को आखिर क्यों पढ़ाया जा रहा है, इतना ज़्यादा क्यों जोर दिया जा रहा है? पर्यावरण अध्ययन बच्चों को यह समझ प्रदान करता है कि हम किस प्रकार से अपने भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाकलाप करते हैं। अगर बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाएगा तो वह जान जाता है कि उसके आसपास जो वस्तुएं हैं या जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, भौतिक हैं, जैविक हैं, सामाजिक हैं और सांस्कृतिक हैं, इन्हीं सब से मिलकर के उसका पर्यावरण बनता है। उनके साथ उसे किस तरह से क्रियाकलाप करने चाहिए, किस तरह से इन सब चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की जो शुरुआत हुई थी वो NCF 2005 की जो एक चिंता बोल दीजिए या उसका एक पॉइंट है कि पाठ्यक्रम का बोझ को घटाना। तो अगर आप पर्यावरण अध्ययन के बारे में बात करेंगे, पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ाएंगे बच्चों को, तो पाठ्यक्रम का बोझ घटाना ये भी जो पॉइंट है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। यानी कि पाठ्यक्रम के लिए बोझ को घटाना, तो इन सब कामों को भी पर्यावरण का अध्ययन कम करता है। NCF 2005 में इस बात के लिए जोर दिया गया था कि अब सिलेबस का धीरे धीरे से बोझ को घटाना चाहिए। और जो पर्यावरण अध्ययन का जो पढ़ाना है, जो शिक्षण है, उसकी जो अधिगम प्रक्रिया है, इसको सरल और सुविधाजनक बनाने में सहायक है, क्योंकि यह सीखने पर बल देता है। अगर आपको किसी बच्चे को कुछ पढ़ाना है तो वह बड़ी आसानी से कब सीखेगा, जब उसे रुचि होगी उस चीज़ को पढ़ने में। तो जो पर्यावरण अध्ययन है यह सीखने पर ज़्यादा बल देता है और इस वजह से इसे पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही सुविधाजनक है। पर्यावरण अध्ययन का जो शिक्षण है या जो अध्ययन है, ये बच्चे बड़ी गहनता से सोचते और सीखते हैं और अनुभवों का विश्लेषण करते हैं। और पूरी की पूरी जो शिक्षा है उसका यही उद्देश्य है कि बच्चों की जो मानसिक, भावनात्मक, सृजनात्मक और सामाजिक, शारीरिक ये सभी क्षमताएं हैं, इनका विकास करना। इसमें कक्षाओं में रट्टा मारकर पढ़ने से बिल्कुल भी काम नहीं चलता है, बल्कि पर्यावरण के साथ जुड़ाव और अनुभव बहुत जरूरी है। और पर्यावरण अध्ययन इसलिए और आवश्यक है क्योंकि हमारे आसपास जो स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल या फिर स्वस्थ जीवन जीना है, जैसे हमें जीवन उपयोगी अवस्थाएं हैं, साफ और स्वच्छ वायु है, उपजाऊ जमीन है, स्वास्थ्यवर्धक भोजन है और इनका विकास, तो ये सभी बातें पर्यावरण अध्ययन से ही संबंधित होती हैं। इसीलिए जब बच्चे को पर्यावरण का अध्ययन होगा, पर्यावरण की जानकारी होगी, तभी इन सब चीज़ों को वह केयर कर पाएगा। पर्यावरण अध्ययन की सहायता से प्रदूषण नियंत्रण के जो नियम, जो कठोर नियम होते हैं, उनको भी बच्चा आराम से पढ़ सकता है और प्रदूषण नियंत्रण में आगे जाके सहायता कर सकता है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को कक्षा में सकारात्मक माहौल पैदा करता है और सीखने के लिए प्रेरित भी करता है। हम अपने अस्तित्व और जीवन की निरंतरता के लिए अपने पर्यावरण पर निर्भर हैं और इस संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करे। ऐसा करने के लिए इस बात की समझ बहुत ही आवश्यक है कि हमारा पर्यावरण है कैसा, क्या इसकी संरचना है, इसके क्या महत्व हैं, हमें पर्यावरण अध्ययन से क्या क्या बातें मिलती हैं। तो अगर कोई बच्चा पर्यावरण अध्ययन करेगा तो वह अपने आसपास के पर्यावरण की रक्षा कर सकता है और उसे संरक्षित करके रखेगा। पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है तो उसमें हाथों से काम करने को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है और इन सब बातों को प्रोत्साहित किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन के जो मुख्य केंद्र बिंदु हैं उनमें से एक है बच्चों को वास्तविक संसार जिसमें वो रहते हैं उससे परिचित कराया जाए।
और पर्यावरण अध्ययन की परिस्थितियां और अनुभव उन्हें अपने प्राकृतिक और मानव निर्मित प्रति देश को छानबीन करने और उससे जुड़ने में सहायता करते हैं। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को पर्यावरण में होने वाली बहुत सारी घटनाएं और क्रियाकलापों के बारे में और उसके समाज के विकास करने में बहुत ही सहायता करता है। पर्यावरण अध्ययन से बच्चों को सीखने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अध्ययन से और क्या होता है, इस प्रकार के अनुभव बच्चों में सामूहिक कौशलों का विकास करने में सहायता करते हैं। उन्हें किसी दल के साथ घुलने मिलने और उनके कुछ प्राथमिक कौशलों का विकास करने में भी सहायता करते हैं। तो पर्यावरण का अध्ययन करने से बच्चों को उनका दृष्टिकोण और उनके विश्वास के प्रति भावनाओं का विकास होता है। उसके विचार, अनुभव, लोग, भोजन, भाषा, पर्यावरण, ये सभी, इसके अलावा उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक रिवाज हैं और आस्थाओं की कदर करना बच्चा सीख जाता है। पर्यावरण का अध्ययन करने से ही उसका जो मुख्य लक्ष्य है कि बच्चों को इस योग्य बनाना जिससे कि वह पर्यावरण से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनको समझने लगें और उससे संबंधित समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सकें, तो ये सभी पर्यावरण के अध्ययन से ही मुमकिन है। खोजना और खुद काम करना, प्रश्न करना, सुनना और सहक्रिया करना, ये मुख्य क्रियाएं हैं पर्यावरण के अध्ययन की। इसके माध्यम से सीखता है बच्चा और पर्यावरण अध्ययन सीखने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। तो पर्यावरण अध्ययन के महत्व हैं वो आपने जाने। इसके अलावा एकीकृत पर्यावरण अध्ययन क्या होता है दोस्तों? एकीकृत का मतलब होता है कि ऐसा दृष्टिकोण जिसको अपना करके आप जो अभी तक अलग अलग विषयों को पढ़ रहे थे उन सभी विषयों की जगह पर के एक ही विषय को सम्मिलित रूप से पढ़ाने पर जोर देना, उसे बोलते हैं एकीकरण उपागम। तो पर्यावरण अध्ययन के मामले में भी यही जोर दिया जा रहा था कि इसे भी एकीकृत करके पढ़ाया जाए। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग इसलिए बताया गया था क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत तो जैसे कि भूगोल भी आ जाता है, भौतिक विज्ञान भी है, रसायन विज्ञान भी है, जीव विज्ञान भी है, पारिस्थितिकी है, तो ये सभी जो ये जो मैंने बताए हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं और टीचर इन सब के बीच में आराम से संबंध बना करके इसका शिक्षण करा सकता है। तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1975, 88, 2000 और 2005, इन सभी में इस बात को ध्यान रख करके जोर दिया गया है कि पर्यावरण की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी पर्यावरण के बचाव को केंद्र में रखकर ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के विकास की बात कही गई है। यानी कि यह संपूर्ण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि पर्यावरण का बचाव किया जाए, पर्यावरण संरक्षण किया जाए। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें भी इसी बात पर बहुत ध्यान दिया गया है। और 1975 में जो एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो तैयार की गई थी उसमें भी प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाने की बात कही गई थी और उसमें प्रस्ताव दिया गया था कि पर्यावरण अध्ययन के रूप में प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा एक कक्षा दो में प्राकृतिक और सामाजिक दोनों को ऐड किया जाए, पाठ सिलेबस के रूप में पढ़ाया जाए और कक्षा तीन और चार तक इसमें दो विषय के रूप में अर्थात पर्यावरणीय अध्ययन एक प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को पढ़ाया जाना चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1988 इन दोनों में भी पर्यावरण अध्ययन के बारे में उपयुक्त व्यवस्था को मंजूर किया गया था। अभी दूसरी जो बात आती है वो है बोझ रहित अधिगम क्या होता है। तो राष्ट्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट 1993 में आई थी, तो ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति 1977, एनसीईआरटी कार्य समूह 1984 और शिक्षा के लिए समीक्षा समिति पर राष्ट्रीय नीति 1990, इन सभी ने सीखने के काम को आसान करने के लिए बच्चों पर जो शैक्षणिक बोझ है उसे कम करने की सिफारिश की थी, लेकिन कम होने की वजह समस्या और ज़्यादा बढ़ गई थी और इसीलिए संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों पर यह शैक्षणिक बोझ बढ़ाने की समस्या की जांच करने के लिए 1992 में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति की स्थापना की थी। जीवन भर स्वयं सीखने और कौशल तैयार करने के लिए क्षमता सहित गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सभी स्तरों पर छात्रों पर भार को कम करने के लिए तरीके और साधन सुझाना, ये जो समिति बनाई गई थी 1993 में उसका उद्देश्य क्या था कि जीवन भर खुद सीखना और कौशल तैयार करने की क्षमता सहित गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जाए और सभी बच्चों पर, सभी छात्रों पर भार कम किया जाए उसके तरीके बताइए। तो इस समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1993 में उसमें बोला गया था बोझ रहित शिक्षण,
यानी कि पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम पर निर्णय को काफी हद तक इसके द्वारा निर्देशित किया गया था। तो एकीकृत पर्यावरण अध्ययन यानी कि इंटीग्रेटेड ईबीएस, इसका यही मुख्य एक जो मतलब होता है कि एकीकृत जो उपागम है, एकीकृत एक करके सिखाना है, तो ये क्या है, समन्वय के सिद्धांतों पर आधारित है। और इस सिद्धांत का मतलब होता है कि ज्ञान सदैव एक इकाई के रूप में इकट्ठा ही विद्यमान रहता है और यह हमेशा एक दूसरे से संबंधित रहता है। यही कारण है कि हम अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी में ज्ञान को हमेशा एक इकाई के रूप में इकट्ठा ही प्रयोग में लाएं। विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन के विषयों में भी ज्ञान के बारे में यह बात बिल्कुल सही है। अगर एकीकृत शिक्षा के बारे में एक उदाहरण से समझें तो सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे कि कोई टीचर है, वो किसी क्लास को पानी के बारे में पढ़ाना चाहता है, तो वह हमारे पर्यावरण में यह कितना उपलब्ध है इस बारे में बताएगा, इससे कौन सी ऊर्जा मिलती है यह बताएगा। तो ये बातें हो जाती हैं आपकी भौतिक विज्ञान से, भूगोल और पर्यावरण की विषय वस्तु, इनसे ये तीनों बातें हो जाएंगी। और इसके साथ साथ ही वह इसके कुछ अणुसूत्र वगैरह भी बताएगा, रासायनिक गुण के बारे में बताएगा और प्रदूषित होने पर क्या क्या रासायनिक कारण होते हैं ये भी बताएगा। तो ये बातें किसकी हो गई, रासायनिक विज्ञान की हो गई। और इन सब के साथ साथ वो टीचर है ये भी बताएगा कि पानी स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है और इसके प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती हैं। तो इस तरह से वो टीचर पानी के बारे में बताते बताते बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में बताता चला जाएगा, जैसे कि रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भूगोल, उसके बाद स्वास्थ्य के बारे में। तो इस तरह से दोस्तों उसने पूरे के पूरे सभी सब्जेक्ट्स को एक कर दिया, एकीकृत कर दिया। और इस तरह से वो अपने व्यवहार के द्वारा बच्चों को सिखाने में, समझाने में भी कामयाब रहा। तो इसी तरह की शिक्षा देने का प्रयास किया गया था, इसी को बोलते हैं एकीकृत पर्यावरण अध्ययन। दोस्तों ये तो थी क्लास आपकी पर्यावरण अध्ययन का महत्व तो और एकीकृत पर्यावरण अध्ययन। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जहां पर मैं इसे अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।